हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल द गिवन एक्सेप्ट। तो वो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है जो इन्होंने बताया था। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया था। ठीक है, तो भाई ये वाला तो सही हो गया। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में भी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में भी ये लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। इन्होंने सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टिंग्विश किया था। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया, दिया किसने था, दैट इज गिवन बाई कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो किसने दिया है, दैट इज गिवन बाई कैरोलस लिनियस, तो ये याद रखना। चलो इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इन विच टू किंगडम केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर सीन आउट ऑफ फाइव proposed by Whittaker। वो पूछ रहे हैं in which kingdom chemosynthetic organism are seen, इनमें से इसमें chemosynthetic organism हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा की, फंजाई, मोनेरा, प्लांटी। तो वो पूछ रहे हैं किसमें देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं तो किसमें हमें देखने को मिलता है, तो इसमें हमारा जो आंसर आता है डेट इज ए मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा में ही हम लोग देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, इसी में थ्री टाइप्स अपन लोग ये देखते हैं। और उसके पहले अपन को और भी कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें इसके अंदर देखने को कौन कौन से मिल जाते हैं, डेट इज ए हेलोफिल्स। तो हेलोफिल्स हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमें जो देखने को मिलता है डेट इज ए थर्मो एसिडोफिल्स, और हमें देखने को मिल जाते हैं मीथेनोजेंस। अब मीथेनोजेंस क्या होते हैं, जो मार्सी एरियाज में रहते हैं। ठीक है, दूसरे थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं, जो हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं। और हमारे पास आता है डेट इज ए हेलोफिल्स। तो हेलोफिल्स क्या होता है, हेलोफिल्स में हमारा आ जाता है जो कि कैसे हैं, सेलाइन कंडीशन में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेट इज ए हेलोफिल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज ए मोनेरा। तो वैसे तो ये सेकेंड है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा मोनेरा। यहां तक समझ में आया, और उसके बाद वो हमने बताई दिया फोटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, कैमो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। तो ये आ जाते हैं हमारे कौन से किंगडम्स के अंदर, डेट इज इन मोनेरा। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है इन थ्री डोमेन सिस्टम ऑल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन सिंगल डोमेन। तो भाई सही बात है। ठीक है, तो थ्री डोमेन सिस्टम के अंदर इन्होंने यूकैरियोट्स को रखा था सिंगल डोमेन्स के अंदर। प्लांट्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। हाँ, प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल। सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा। ठीक है भाई, हाँ मोनेरा का प्रोकैरियोट्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज नॉट द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। नहीं भाई, क्राइटेरिया था, ठीक है, ये भी क्राइटेरिया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी था, हमारा सेल टाइप था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी था, और इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसका क्राइटेरिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेट इज ए फोर्थ। तो आंसर क्या है, आंसर है फोर्थ। चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंपोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल इज। तो भाई सेलुलोज की तो हमारी किसकी बनी होती है, डेट इज ए प्लांट। ठीक है, पॉलीसेक्राइड प्लस लिपिड्स, भाई ये छोड़ दो, लिग्निन हमारे प्लांट्स में भी होता है बहुत सारे। ठीक है, और काइटिन आ जाता है हमारा इसका करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर आ गया डेट इज ए काइटिन। ठीक है, चलो किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा एज दे ऑल। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हैं, आर हेटरोट्रॉप्स, क्या ये हेटरोट्रॉप्स हैं, हैव सेल वॉल, लैक सेल वॉल, आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये यूनिसेलुलर हैं, बट दे आर
यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो आंसर आ गया डेट इज ए फोर्थ। चलो नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट किंगडम मोनेरा। तो भाई किंगडम मोनेरा के बारे में गलत बताना है हमें कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स। हाँ भाई सोल मेंबर्स हैं, राइट, ठीक है। तो पहला हमारा सही हो गया। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ भाई मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, हमारे बैक्टीरिया, और उनमें से भी कौन से होते हैं, डेट इज ए हेटरोट्रॉप्स। कौन से हैं, डेट इज ए हेटरोट्रॉप्स। तो इसमें भी हेटरोट्रॉप्स, दे कैन लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। तो हाँ भाई किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, मीथेनोजेंस होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, ये सभी। तो ये हो गया। दे कैन नॉट बी पैरासाइट। क्या ये भाई पैरासाइट नहीं होते हैं, भाई पैरासाइट होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा डेट इज ए फोर्थ, इनकरेक्ट बताना था। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, डेट इज द फाइंड द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट होगा। चलो तो हम लोग बात करते हैं, कोकस स्पेरिकल होता है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, स्पेरिकल होगा ऐसा गोल गोल, ठीक है। बैसिलस रॉड शेप्ड होता है, हाँ भाई ऐसे रॉड शेप्ड होंगे। विब्रियम, तो भाई विब्रियम होता है हमारा कॉमा शेप, ठीक है, क्योंकि इन्होंने गलत लिखा है। स्पाइलिनम, ठीक है, ये स्पाइरल शेप होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डेट इज ए थ्री, ये जो कि कैसा है, डेट इज ए कॉमा शेप, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये होता है हमारा कॉमा शेप। तो इस बारे पॉइंट्स को याद रखना है। चलो नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। चलो भाई तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो पहला वो पूछ रहे हैं बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। दूसरा है बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड केमो ऑटोट्रॉप्स। तो भाई मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी होता है, और दूसरा बात करें हम लोग केमोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी स्टेटमेंट भी सही है, वो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डेट इज ए थ्री, ठीक है। मार्क द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू मीथिनोजेंस। तो भाई ऑड वन लिखना है। फाउंड द गट्स ऑफ रूमिनेंट, हाँ भाई बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन्स, हाँ भाई देखो जो मार्स ही होता है, मार्स का मतलब ही होता है हमारा CH4, ठीक है, मतलब मीथेन्स। लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्ड हैबिटेट्स, हैव सेल वॉल स्ट्रक्चर सेम एज अदर बैक्टीरिया। वो कह रहे हैं क्या इसमें सेम, तो भाई इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, अदर बैक्टीरिया के जैसे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डेट इज ए फोर्थ। चलो नेक्स्ट आते हैं, माइक चेक करते हैं, ठीक है भाई चल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है डिस्चार्ज हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज। तो वो बोल रहे हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं भाई ये क्या होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है BGA। BGA मतलब डेट इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो यही है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी। चलो All of the following are functions of heterotrophic bacteria except। वो बोल रहे हैं following functions of heterotrophic bacteria except, क्या एक functions नहीं है एक को छोड़ के, ठीक है। तो चलो इसके बाद हमारा answer क्या आएगा, make a curd from milk। तो भाई बिल्कुल बनाते हैं, ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं that is a lab। lab मतलब lactobacillus acidophilus, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यूम्स, हाँ भाई बिल्कुल फिक्सिंग करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक मिनट, फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पूछा हुआ है इन्होंने, तो इसका आंसर क्या, फिक्सिंग नाइट्रोजन। भाई फिक्सिंग नाइट्रोजन कर रहे हैं तो वो हेटरोट्रॉपिक कहाँ है, डेट इज ए कैमोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये तो भाई हमारे किस में आ जाते हैं, कैमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये हमारे कैमो ऑटोट्रॉप्स के अंदर इंक्लूडेड है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो सिलेक्ट द रॉन्ग फॉर माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, हाँ भाई बिल्कुल सर्वाइव कर लेता है। कंप्लीटली लैक सॉल्वेबल, बिल्कुल डेट इज ए बिल्कुल। पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमेट्स, भाई थोड़ा सा गलत हुआ है, एनिमल्स था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट मोनरन, भाई लार्जेस्ट नहीं होता है, स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डेट इज ए फोर। नेक्स्ट,
सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा, वो कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट वन बताना है। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोस्टिशियंस सेल बॉडी कंसिस्ट्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। वो पूछ रहे हैं कि बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोस्टिशियंस सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। दूसरा है दे रिप्रोड्यूस, क्या इनकरेक्ट वन बताना है। तो पहला क्या है, यूकैरियोट्स प्रोस्टिशियंस सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बताओ हमारे प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, सबसे तो मोनो हवाई, उसके अलावा जो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना है, तो भाई क्या आ जाएगा, थर्टीन का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भाई बिल्कुल होते हैं, रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली ओनली, भाई ए सेक्सुअल से नहीं, ये सेक्सुअल से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 का, डेट इज ए 2, ठीक है। पहला तो सही है, बाउंड्रीज ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, मेंबर्स आर प्राइमरली एक्वेटिक, ठीक है। चलो विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट क्राइसोफाइट्स, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट रॉन्ग है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर देखो चलो पढ़ते हैं। तो वो पूछ रहे हैं माइक्रोस्कोपिक, हाँ भाई ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक भी हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, ठीक है। तो टू थिन ओवरलैपिंग भी देखने को हमें मिल जाते हैं, दे आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स और नहीं भाई मैराइन एराइन में भी ये लोग देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा डेट इज ए 4th। Which of the following is responsible for red tides? ठीक है, वो बोल रहे हैं कौन responsible होता है red tides के लिए, ठीक है। ये पूरा नाम नहीं लिखा है, that is a gangiolax. तो हमारा आंसर हो जाएगा that is a 3. यही भाई ये toxins रिलीज करते हैं जो बहुत सारे animals को क्या करता है, मार देता है। इसके बाद हम लोग आते हैं that is a 16, ठीक है। Which of the following statement is incorrect? ठीक है, Dinoflagellates have two flagella. बिल्कुल सही है भाई, थोड़ा सा देखो इन लोगों ने छापने में गलती कर दी, बिल्कुल सही है, ठीक है। इग्लिनोइड्स आर फ्रॉस्ट वाटर, सही है। माउल्ट्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, हाँ भाई ये भी सही है यार, थोड़ा सा देख लेना। द स्पेयर्स स्लाइम माउल्ट्स लैक डेवलप बॉल, ठीक है। तो भाई एक्चुअली वो ये लिखा है कि जो स्लाइम माउल्ट्स होते हैं लैक डेवलप बॉल नहीं भाई, उसमें बॉल होती है। तो आंसर हो जाएगा 4 यार, सॉरी यार ये थोड़ा सा गलती के लिए। द वॉस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई इनटू वेरियस, ठीक है। वो ये पूछ रहे हैं क्या बेसिस लिया था एक्सेप्ट, ठीक है। तो यही वो पूछ रहे हैं, तो देखो सबसे पहला आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, हाँ भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो भाई हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लिया है, तो हमारा आंसर 4th ही आ जाएगा, ठीक है। ये था टाइप्स ऑफ बॉडीज, ठीक है, सेप्टेड एसेप्टेड 4th वाला। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। तो इनकरेक्ट मैच बचाना है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है। राइजोबियम सैक फंजाई, राइजोपस सॉरी, पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर, मोरल्स एंड ट्रबल्स एडिबल फंजाई, अस्टिगो स्मट, ठीक है। इनकरेक्ट वो पूछ रहे हैं, तो देखो क्या होगा इसका, चलो हम लोग इसका देखते हैं। तो ये हमारा आ जाता है डेट इज ए, क्या आ जाएगा हमारा 18 का, तो इसका आ जाएगा हमारा राइजोपस, ठीक है। ये सैक फंजाई नहीं है भाई, पहले में आता है हमारा डेट, किस में आता है ये, पहले वाले फाइगोमाइसिटिस, ठीक है। चलो 19, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेल, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स टू डिस्टिंक्ट फेजेस, गैमेटोफिटिक और सैप्रोफिटिक। किंगडम एनिमलिया इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनेल, हाँ भाई सही, एनिमल्स स्टोर ग्लाइकोजन स्टार्च, डेट इज राइट। तो हमारा आ जाता है डेट इज फर्स्ट, ठीक है, इनकरेक्ट बताना था। तो क्या आ जाएगा इसका, एक मिनट नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। ग्लाइकोजन और स्टार्च भाई, स्टार्च के फॉर्म में नहीं करता है, सॉरी यार, तो स्टार्च नहीं है, तो इसका आंसर 4th होगा। समझ में आया, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो भाई रॉन्ग स्टेटमेंट को करना है, प्रायोन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड आरएनए मॉलिक्यूल्स, वायरस वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स ए सेलुलर, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एल्गी एंड फंजाई,
वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं भाई ये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डेट इज ए फोर। तो हम आप हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कुछ खत्म, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।